हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हो कंज्यूमर ईवीएस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस जेस्ट 110 सीसी के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और पूरी इन्फॉर्मेशन आप लेकर जाएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ऐसे ही बाइक कार स्कूटी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन भी चेक कर लीजिए। शुरुआत करेंगे फ्रंट के डिज़ाइन से। देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रंट का जो लाइट है, हैलोजन हेडलैम्प आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो LED DRL भी प्रोवाइड करे गए हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे रियर व्यू मिरर है, बॉडी कलर्ड फिनिशिंग में है। इंडिकेटर्स की क्वालिटी बल्ब टाइप की है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स का, काफ़ी शार्प और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है। दोस्तों फ्रंट का टायर प्रोफाइल 90x100 के 10 इंचेस ट्यूबलेस टायर और रियर का 90x90 के 10 इंचेस ट्यूबलेस टायर, काफ़ी अच्छे टायर प्रोफाइल हैं। और बात करी जाए फ्रंट के सस्पेंशन की तो टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है, जो नॉर्मल आपको इंडियन रोड्स में काफ़ी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड कर देगी। बात करें इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तो पूरा एनालॉग स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है, ओडोमीटर, सब कुछ एनालॉग है। काफ़ी अच्छा फिनिशिंग, बेसिक सा डिज़ाइन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टॉगल स्विचेस की, तो यहाँ पर देख सकते हैं पास लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न के कंट्रोल और इलेक्ट्रिक स्टार्ट के कंट्रोल। काफ़ी अच्छा फिनिशिंग दिया गया है कीज़ के। और जो यहाँ पे फ्रंट में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा यूटिलिटी स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। हुक भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, कोई सामान आप कैरी करते हैं, खरीद के लाते हैं तो कैरी करके ला सकते हैं। सीट के नीचे भी यूटिलिटी हुक आपको मिल जाता है। काफ़ी अच्छा जो टेक्स्चर्ड आप देख सकते हो फ्लोर बोर्ड, काफ़ी अच्छा लेगरूम भी मिल जाता है गाड़ी में। और जस्ट 110 सीसी की बैजिंग आप देख सकते हो, 3D एम्ब्लेम पूरा, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। सीट की क्वालिटी आप देख सकते हो, पीछे का ग्रैब रेल सॉलिड यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग में प्रोवाइड किया गया है। पीछे का जो टेल लैंप है LED टेल लैंप है और इंडिकेटर्स जो हैं बल्ब टाइप के मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा TVS की बैजिंग सारी जगह प्रोवाइड करी गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंजन की, तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल 109.7 सीसी का इंजन मिलता है, जो 8 PS का मैक्स पावर जनरेट करता है और 8.4 न्यूटन का मैक्स टॉर्क। गाड़ी को आप सेल्फ स्टार्ट किक स्टार्ट दोनों से ऑन कर सकते हो। और पीछे के सस्पेंशन की बात करी जाए तो यहाँ पे हाइड्रोलिक मोनोशॉक टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है। पीछे का टायर प्रोफाइल भी 90x90 के 10 इंचेस ट्यूबलेस टायर। आगे और पीछे ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है आपको, कोई भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्रंट में 110mm का ड्रम ब्रेक है, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अंडर सीट जो स्टोरेज है, वो आपको 19 लीटर्स की स्टोरेज मिल जाती है। काफ़ी डिसेंट सा स्पेस है, काफ़ी कुछ सामान आप रख सकते हो। चार्जिंग पोर्ट, बूट लाइट, सब कुछ मिल जाता है। पेट्रोल टैंक की बात करें तो 5 लीटर का फ्यूल टैंक है। और आपको फ्यूल भराने के लिए सीट तो ओपन करना ही पड़ेगा, आउटसाइड फ्यूल लीड नहीं मिल जाता है आपको गाड़ी में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर माइलेज की, तो गाड़ी से आप 55 तक की माइलेज आराम से निकाल सकते हो सिटी राइड कंडीशन में। हालांकि माइलेज भी डिपेंड करती है किस तरीके से आप गाड़ी को चलाते हो, तो देख सकते हैं आप गाड़ी दोस्तों। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी एक्स शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली आपको 54,000 रुपीज़ में मिलेगी और एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता में 56,800 रुपीज़ में। ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी का, काफ़ी डिसेंट है इंडियन रोड्स में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। कर्ब रेट 97 kg का है। सीट हाइट बहुत ही एडिक्वेट 760mm का, कोई भी शॉर्ट हाइट, लॉन्ग हाइट, हर हाइट का बंदा आराम से बैठ सकता है। बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को। दुर्गापुर में रहते हैं तो TVS महल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और टेस्ट राइड बुकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो सॉल्व कर सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।